सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। जी आपको बता दें, ईडी ने केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगते हुए न्यायिक हिरासत की मांग की थी और ईडी ने कोर्ट में दावा करते हुए केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया और यही वजह है कि एक बहुत बड़ा झटका यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उन्हें अब जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और ईडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जांच में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई है। 14 दिन की जेल यानी कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है और सबसे गंभीर ये कि केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है। हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हमारे साथ, राउज एवेन्यू कोर्ट से विक्रांत यादव जुड़े हुए हैं, ईडी दफ्तर से हमारे साथ आनंद तिवारी मौजूद है। विक्रांत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, ये जो ईडी की तरफ से आरोप केजरीवाल के ऊपर लगे हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या इससे भी केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी? इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब जांच एजेंसियां अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहेंगी, क्योंकि कोर्ट के सामने अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कोर्ट को ये जरूर बताया कि जिस समय हम पूछताछ कर रहे थे उसमें सहयोग नहीं किया, उन्होंने अपने जो डिजिटल डिवाइसेज हैं उनके पासवर्ड के बारे में नहीं बताया और बाकी चीज़ों में भी वो सहयोग नहीं कर रहे। बयान जो हैं वो इवेजिव हैं, उनके जो जवाब हैं वो एक तरह से टालने की कोशिश कर रहे हैं। विजय नायर के बारे में पूछा गया, विजय नायर भी इस केस में गिरफ्तार है। ये आरोप है ईडी का कि वो अरविंद केजरीवाल के बेहद खास थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये उन्हें नहीं कहा, उनको उनको उनके उनको रिपोर्ट नहीं करते थे और वो उनको रिपोर्ट वो आतिशी को रिपोर्ट करते थे, तो कोई सीधा संबंध नहीं था और डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड पूछे उनसे, उसके पासवर्ड के बारे में जानकारी नहीं दी है। तो एक तरह से ईडी ने दिखाने की कोशिश की है कि वो जांच में किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बचाव पक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि पासवर्ड देने के लिए दबाव ईडी नहीं बना सकती, इस तरीके का कोई अधिकार ईडी के पास नहीं है, अक्यूज अगर नहीं देना चाहता तो वो नहीं देगा, ये उसका राइट है। और ईडी जो बयान लेना चाहती है, अगर उसके मन मुताबिक बयान ना दिए जाए तो इसे असहयोगपूर्ण बयान, असहयोगपूर्ण कार्रवाई नहीं कहा जा सकती। तो इस तरीके की दलीलें हैं, ये चलेंगी। हालांकि ये ट्रायल के दौरान ये सब चीजें ज्यादा उठेगी और उस समय ये तमाम चीजें ईडी कोर्ट के सामने भी रखेगी। अब हालांकि उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, 14 दिन बाद फिर से लाया जाएगा और अगर जब तक अब जमानत नहीं मिलती तब तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक जमानत नहीं मिलती है तब तक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि तिहाड़ जेल में किस तरीके की इंतजाम किए गए हैं, कौन से बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन से बैरक में रखा जाएगा, क्या तैयारी चल रही है, सामान्य कैदी की तरह उन्हें रखा जाएगा, क्या क्या अनुमति उन्हें दी गई है चीजें ले जाने के लिए अंदर? देखिए, जो तिहाड़ के सूत्र बता रहे हैं कि या तो 5 नंबर जेल या 2 नंबर जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ में कुल 9 जेल हैं और उसमें करीबन 12,000 कैदी बंद हैं। और अगर आप बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया इस वक्त जो है वो जेल नंबर 1 में बंद है, वो पहले जेल नंबर 2 में थे। इसी 2 नंबर जेल की बात कर रहा हूं मैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। और 2 नंबर जेल जो है उसमें पहले संजय सिंह बंद थे, जिन्हें की शिफ्ट करके 5 नंबर जेल में बंद कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग ये तय है कि या तो 5 नंबर जेल या 2 नंबर जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उनके साथ शायद आम आदमी पार्टी के या तो मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह उसी जेल में उनके साथ बंद जो है वो रहेंगे, क्योंकि 5 नंबर और 2 नंबर जो जेल है उसे पहले से ही जो है वो सैनिटाइज किया गया था और उसके उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे थ्रेट परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा, उनकी सुरक्षा पहले से ही काफ़ी बढ़ा दी गई थी और हमने देखा उनके ऊपर कई बार हमले करने की कोशिश भी जो है वो उनकी सभाओं में किए गए हैं। तो ऐसे में तिहाड़ में जब खूंखार कैदी गैंगस्टर आतंकवादी बनने और वहां पर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा तिहाड़ जेल के लिए सबसे बड़ा एक तरीके से मुद्दा है, इसी को लेकर तिहाड़ के जो डीजी हैं संजय बेनीवाल, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग करी थी और उसमें यह सुनिश्चित किया था कि अरविंद केजरीवाल जिस भी नंबर जेल में रहेंगे वहां के जेल सुप्रिंटेंडेंट या जेलर जो है वो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और जो कोर्ट ने आदेश दिए उन्हें जो सुविधाएं जेल में मिलना चाहिए, चाहे वो किताबों की बात हो या दवाइयों की, जो उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी वो मिल गई है, तो वो नियमित तौर पर जो उनको दवाइयां हैं वो जो है तिहाड़ जेल में दी जाए। लेकिन वहां पर वो एक
एक सामान्य कैदी की तरह पे रहेंगे, जो खाना आम कैदी खाते हैं वही अरविंद केजरीवाल को वहां पे दिया जाएगा, जो दिनचर्या आम कैदियों के लिए होती है वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल में रहेगी। ठीक है आनंद, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपका हम रुख करेंगे। विक्रांत एक बार फिर से आपके पास आते हुए, जो दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, जरा विक्रांत उनको ये भी बताइएगा कि ईडी की तरफ से आखिर क्या दलील रखी गई कि अरविंद केजरीवाल को अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया, ईडी ने क्या ऐसी बातें कही। देखिए जुडिशियल कस्टडी जैसे ही पुलिस रिमांड खत्म होता है, जुडिशियल कस्टडी एक प्रोसेस है, जुडिशियल कस्टडी में ही भेजा जाता है किसी भी एक्यूज को। तो इस मामले में क्योंकि ईडी ने अब रिमांड नहीं बढ़वाया, ईडी ने कहा कि जो बचे हुए दिन हैं पुलिस रिमांड के वो बाद में जब भी जरूरत होगी तब इस्तेमाल कर लेगी, लेकिन फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया जाए क्योंकि वो अभी उनका पुलिस रिमांड नहीं ले रहे हैं। तो इस कारण कोर्ट ने उनको अब जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में हमेशा एक्यूज को भेजा जाता है और 14 दिन बाद उन्हें दोबारा से कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उनकी जुडिशियल कस्टडी बढ़ जाएगी। तो ये जो रूटीन प्रक्रिया है ये अब तब तक जारी रहेगी जब तक उन्हें बेल नहीं मिलती, तब तक के लिए अब तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा, जुडिशियल कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। और जो उनकी दवाएं किताबें उनकी अनुमति मिल गई है, दवाएं मेडिसिन के जो डॉक्टरों की सलाह उसके मुताबिक उन्हें मिलती रहेगी जेल के भीतर भी, और बाकी जो जेल के नियम होंगे अब उसी हिसाब से उनकी दिनचर्या चलेगी, उसी हिसाब से जेल में क्योंकि मुलाकातियों का समय। जमानत के लिए क्या कुछ करना पड़ सकता है, क्या आगे की प्रक्रिया रहती है? देखिए बेल इस मामले में पीएमएलए में बेल मिलना मुश्किल काम है क्योंकि इसकी कंडीशंस जो कानून की कंडीशंस हैं वे बेहद मुश्किल हैं। ट्विन कंडीशंस हैं कि एक्यूज ये पूरी तरीके से कोर्ट ये सेटिस्फाइड हो जाए कि एक्यूज इस मामले में प्राइमा फेशी शामिल नहीं है, तो ये किसी भी कोर्ट के लिए सेटिस्फाई हो पाना बहुत मुश्किल होता है। और पीएमएलए कानून में जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसीलिए विपक्ष भी इस मामले में हल्ला उठाता है, उसका ये कहना है कि इसकी धाराएं इतनी कड़ी हैं कि किसी को बेल नहीं मिलती, हालांकि ऐसा कानून ये बात। विक्रांत हम लौटेंगे आपके पास, आपके जरिए कुछ और डिटेल्स हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे, लेकिन तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 या 5 में रखा जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को 2 नंबर जेल से 5 नंबर जेल में शिफ्ट भी किया गया था, जबकि मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया है। जेल नंबर 2 में ज्यादातर कन्विक्टेड कैदियों को रखा जाता है। देखिए जेल नंबर 5 में 18 से 20 साल वाले विचाराधीन कैदियों को रखा जाता है और तिहाड़ जेल की 7 नंबर जेल में सत्येंद्र जैन को फिलहाल रखा गया है। तो तैयारियां तेज कर दी गई हैं, केजरीवाल को तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। बैरक नंबर को लेकर जानकारी ये मिल रही है, जेल नंबर 2 में उन्हें रखा जा सकता है। आनंद हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं, आनंद का रुख कर लेते हैं। आनंद किस तरीके की तैयारियां की जा रही है, कोर्ट से सीधा अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचेंगे, कब तक पहुंचेंगे, इसे लेकर क्या डिटेल्स हैं? देखिए थोड़ा समय लगेगा जब अरविंद केजरीवाल जो हैं वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे, थोड़ा जो एक कानूनी प्रक्रिया होती है पूरी, जब कोई भी आरोपी को जेसी में भेजा जाता है यानी न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है तो कुछ पेपर वर्क जो होते हैं वो पूरे होते हैं, तिहाड़ जेल को इसकी सूचना जो है वो दी जाती है और उसके बाद उन्हें जो है जो जाँच एजेंसी है वो तिहाड़ जेल जो है वो लेकर पहुँचती है। तो संभावना बताई जा रही है कि दोपहर तक या शाम तक जो है वो अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल पहुँच सकते हैं और वहाँ पर अब तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी हैं। तिहाड़ जेल पर ये तिहाड़ जेल को ये जानकारी मिल चुकी है कि अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब वो तिहाड़ जेल आने वाले हैं। तो जैसा मैं पहले भी आपको बता रहा हूँ, या तो 5 नंबर जेल या 2 नंबर जेल, अब तक जो जानकारी मिल रही है इन दोनों जेल में से किसी एक जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। जो उनका जिस वार्ड में वो रहेंगे या जिस लॉकअप में रहेंगे उसका भी जो मौका मुआयना है वो जेल अधिकारियों ने कर लिया है, हाई लेवल मीटिंग जो है वो पहले से ही हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा तिहाड़ जेल में रहेगी और उसको लेकर लगातार जो है वो तिहाड़ के अधिकारियों की नजर जो है वो अरविंद केजरीवाल पे बनी हुई है क्योंकि एशिया की सबसे अति सुरक्षित जेल होने के साथ ही तिहाड़ जेल के ऊपर ये बदनामी का ठप्पा भी लगा हुआ है कि तिहाड़ जेल के अंदर कई मर्डर जो है अभी हाल में हुए हैं, कई खूंखार गैंगस्टरों की खूनी गैंगवार तिहाड़ जेल के अंदर हमने देखने को मिली है और ऐसे में चूंकि अरविंद केजरीवाल पे थ्रेट परसेप्शन पहले से काफी ज्यादा है तो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा तिहाड़ जेल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और सीसीटीवी से 24 घंटे जो उनका बैरक या उनका सेल है उसकी निगरानी भी जो है वो की जाएगी और सैनिटाइज जो है वो भी जेल नंबर 2 और जेल नंबर 5 को कर दिया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, इसके अलावा ये भी किया जा रहा है कि सैनिटाइज पूरा जो बैरक है उसे किया जा रहा है, लेकिन तिहाड़ में अगर केजरीवाल रहते हैं तो कहाँ रहते हैं? अभी संभावना यही जताई जा रही है 2 या 5 नंबर में रह सकते हैं। अब जानकारी मिल पा रही है अगर जेल नंबर 2 में गए तो अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया से मिलेंगे,
अगर अरविंद केजरीवाल 5 नंबर बैरक में रहते हैं तो वो आम आदमी पार्टी के संजय सिंह के साथ मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ बैरक जो है वो शेयर कर सकते हैं, ये जानकारी निकल कर आ रही। तो 2 या 5 में से या तो मनीष सिसोदिया के साथ वो बैरक जो है वो शेयर कर सकते हैं या संजय सिंह जो बैरक नंबर 5 में हो सकते हैं उनसे मुलाकात हो सकती है। अभी तक ये फाइनल नहीं हो पाया है लेकिन ये जानकारी जरूर निकल कर आ रही है। या तो जेल नंबर 2 में रखा जाएगा अरविंद केजरीवाल को या जेल नंबर 5 में रखा जाएगा, और इससे पहले संजय सिंह हो या मनीष सिसोदिया हो, इन्हीं 2 बैरक्स में उन्हें पहले रखा गया है। तो संभावना यही जताई जा रही है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं लेकिन जेल नंबर 2 या 5 में अरविंद केजरीवाल को शिफ्ट किया जा सकता है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी जो है वो आपको दे दें कि जेल नंबर 5 में गए तो संजय सिंह से मिलेंगे, जेल नंबर 2 में गए तो मनीष सिसोदिया से उनकी मुलाकात हो सकती है। तिहाड़ में लेकिन केजरीवाल जाएंगे ये कंफर्म हो चुका है क्योंकि कोर्ट ने उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है। विक्रांत हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत, हम विकल्पों की बात कर रहे थे, एक तरफ ईडी की कार्रवाई तो जारी है ही लेकिन केजरीवाल के सामने क्या विकल्प फिलहाल नजर आते हैं? पीएमएलए के तहत हुई गिरफ्तारियों पर हम नजर डालें तो फिलहाल कहीं से कोई राहत उनके लिए नजर नहीं आ रही है। देखिए, बिल्कुल कोई ऐसी राहत दिखाई तो नहीं दे रही है फिलहाल, लेकिन हाईकोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चैलेंज किया था जिस पर ईडी को कल तक जवाब दाखिल करना है और बुधवार को इस मसले पर जो उन्होंने याचिका दाखिल की थी वो दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। और उसके अलावा अब क्योंकि उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो अब उनके पास बेल के लिए अप्लाई करने का, आवेदन करने का मौका है। अब वो ट्रायल कोर्ट में बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, देखना होगा कब उनके वकील इसे मुनासिब समझते हैं। हालांकि फाइल ही केवल उनके हाथ में है क्योंकि बेल मिलना वो थोड़ा टफ है पीएमएलए के मामलों में। हमने देखा है मनीष सिसोदिया लंबे समय से जेल में बंद है, संजय सिंह इस समय जेल में बंद है इसी कानून के तहत, और सत्येन जैन वो लंबे समय से बंद है, उन्हें बीच में मेडिकल ग्राउंड पर इंटरिम बेल जरूर मिली थी लेकिन जैसे ही उनकी रेगुलर बेल हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में आई सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रेगुलर बेल हियरिंग खारिज कर दी थी, उन्हें दोबारा से सरेंडर करना पड़ा, कस्टडी में जाना पड़ा। तो बेल मिल पाना थोड़ा मुश्किल है और उन्हें अभी क्योंकि जिस तरीके की परिस्थितियां हैं उसे देखते हुए उन्हें कोर्ट जुडिशियल कस्टडी में ही रहना पड़ेगा। और लेकिन बेल के लिए अप्लाई करने का उनका रास्ता खुल गया है क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में जाने के बाद ही बेल के लिए आवेदन किया जा सकता है, तो अब वो बेल एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। बाकी उनकी निगाहें होंगी हाईकोर्ट में जो कल उनका मामला आएगा, माफ कीजिएगा कल तक ईडी को जवाब देना है और परसों उनका मामला आएगा तो उस पर हाईकोर्ट क्या रुख लेता है, क्या कोई इंटरिम रिलीफ देता है, इन सब चीजों को लेकर अब वो उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि बेहद कम ही रिलीफ इस तरह के मामलों में हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से मिला है। बिल्कुल, देखिए गोलवाल जवाब दे रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जा रहे हैं, लेकिन अब यह तय है कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि जिन कानूनी विकल्पों का इस्तेमाल वो कर सकते थे अब पीएमएलए कानून के तहत और ज्यादा मुश्किल जो है यहाँ पर अरविंद केजरीवाल को हो सकती है। तिहाड़ जेल में तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ क्योंकि तिहाड़ जेल से वो लगातार बने हुए हैं। आनंद, जिस तरीके की तैयारियां आप कह रहे हैं कि उनके लिए की जा रही है, सबसे पहले आपको याद होगा जब ईडी की तरफ से ये कार्रवाई की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा गया था कि हमें सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो है अभी भी सुनिश्चित नहीं है आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर। ऐसे में अगर बैरक नंबर 2 या 5 में उन्हें रखा जाता है क्या सुरक्षा इंतजामों में कोई बदलाव देखा जाएगा या जो सुरक्षा इंतजाम है वैसे ही रहने वाले हैं, कुछ और किया जाएगा? देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है तिहाड़ जेल सूत्रों के हवाले से, अभी हमारी वहां पर कुछ अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा है कि 3 नंबर जेल में भी रखने की संभावना है। ये 3 जेल जो हैं इन्हें अलर्ट पे रखा गया है, इनके जेल सुपरिटेंडेंट और जो जेलर हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट सबको कहा गया है कि वो आज देर शाम तक अपनी ड्यूटी पे मुस्तैद रहेंगे, या तो 2 नंबर जेल या 3 नंबर जेल या 5 नंबर जेल। जैसा हम पहले से बता रहे थे कि आपको 5 और 2 के बारे में अब एक नई जानकारी आ रही है कि 3 नंबर जेल में भी अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है, अलग सेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। और जो तिहाड़ के बड़े अधिकारी हैं वो उन्होंने अभी जैसे ही उन्हें ये पता चला है कि न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं तो उनका पहले मेडिकल कराया जाएगा और संभावना जताई जा रही है कि ये देर शाम तक अरविंद केजरीवाल जो है वो तिहाड़ जेल पहुंचेंगे और इन 3 जेल में से किसी एक जेल में जो एक अलग सेल है अलग वार्ड है उसमें अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। सीसीटीवी से उस पूरी सेल की जो है मॉनिटरिंग की जाएगी 24 घंटे, जो टीआईपी के जवान होते हैं तमिलनाडु स्पेशल फोर्स के वो वहां पर उनके सेल के बाहर जो है 24 घंटे जो ड्यूटी होती है उसमें तैनात रहेंगे। और
खास तौर पर तिहाड़ जेल के जो बड़े अधिकारी हैं उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को ये आदेश दिए हैं कि वो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में कोई कोताही ना बरतें और उनकी सुरक्षा को लेकर पूरे तरह से जो पुख्ता इंतजाम हैं वो तिहाड़ जेल में किए जाएं। क्योंकि मैं पहले भी आपको बता रहा था कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ आ रहे हैं तो ये तिहाड़ जेल के लिए एक बड़ी चुनौतीपूर्ण काम है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे थ्रेट परसेप्शन काफी ज्यादा है, और बिल्कुल, और इसलिए यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किया जा रहे हैं। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़े हैं। विक्रांत, क्या ऐसी कोई जानकारी मिल रही है कि कोर्ट के अंदर आतिशी का भी नाम इस मामले में सामने आया है, ऐसी कोई खबर आपके पास, और अगर आया है तो कारण क्या है इसका? देखिए, ये जैसा पहले भी बताया था कि जब अरविंद केजरीवाल के बारे में ईडी ने बताया कोर्ट को, तो उसमें कहा कि अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। उनसे विजय नायर के बारे में पूछताछ की गई थी तो वो बोले कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करते, वो आतिशी को रिपोर्ट करते हैं, तो मेरा उससे कोई सीधा संबंध नहीं है। विजय नायर को लेकर ईडी का ये आरोप था कि वो अरविंद केजरीवाल के लिए ही काम करते थे और अरविंद केजरीवाल ने उन्हें शराब जो माफिया जिनके जरिए उनके पास साउथ लोबी के जरिए जो पैसा पहुंचा था, तो उन्होंने भी ये कह करके मुलाकात की थी कि वो अरविंद केजरीवाल के खास है और उन्हीं के जरिए अरविंद केजरीवाल से बात हुई थी। तो लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर से उनका वो उन्हें रिपोर्ट नहीं करते थे, वो विजय नायर आतिशी को रिपोर्ट करते थे, ये ईडी की तरफ से कोर्ट को बताया गया है। तो क्या इस मामले में जिस तरीके से आतिशी का जिक्र हुआ है विक्रांत, आगे आने वाले दिनों में क्या आतिशी से भी कोई पूछताछ या कोई ऐसी बातचीत हो सकती है या उन्हें भी कोई समझ जारी किए जा सकते हैं अगर ऐसा हुआ तो? देखिए, इस मामले में ईडी को जिस भी व्यक्ति से पूछताछ करनी है वो उन्हें समन भेज भी रहे हैं, और जैसे ही कोई लिंक मिलता है उन्हें समन भेजकर उसके मामले में बुलाया जाता है। अभी कैलाश गहलोत दिल्ली के मंत्री हैं, उनसे मुलाकात हुई है, उनको बुलाया गया था शनिवार को, और उसके बाद उनसे पूछताछ हुई, उनको पूछताछ के बाद 4-4.5 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ भी दिया गया, और ईडी ने कहा कि कुछ उनसे जानकारियाँ लेनी थी। खुद कैलाश गहलोत ने भी ये बताया था कि ईडी ने उनसे कुछ सवाल पूछे जिसकी जानकारियां उन्होंने ईडी को दे दी थी। उन्होंने ये स्वीकार किया था कि उनका एक घर जो सरकारी घर था जिस पर वो कभी भी नहीं रहे, उस घर में विजय नायर रहा करता था। नलिन कोहली हमारे साथ विक्रांत जुड़ रहे हैं इस वक्त, और हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं। नलिन कोहली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। नलिन कोहली जी, आज जिस तरीके से ये बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल को लगा है और 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, एक बार फिर से वही आरोप है कि सहयोग नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल? जो मीडिया के माध्यम से जानकारी मिल रही है, एएसजी साहब ने कह रखा है कि वो कोई जवाब नहीं दे रहे। अब एएसजी राजू साहब जो कह रहे जवाब नहीं दे रहे, तो दो प्रश्न उठेंगे, या तो केजरीवाल जी जानते नहीं है, अगर जानते नहीं है तो फिर ये प्रश्न उठेगा कि मुख्यमंत्री क्यों है, कैसे मुख्यमंत्री है कि उनकी सरकार के अंदर घोटाला हो जाए शराब को लेकर, दो मंत्री उनके हिरासत में है, उनके मंत्री उनके आदेश और निर्देश के अनुसार उनको काम करना चाहिए। तो अगर केजरीवाल जी को जानकारी किसी चीज की नहीं है तो ये मंत्री अपने आप चला रहे थे सरकार, ये कैसे दिल्ली की सेवा है? या दूसरी बात है कि केजरीवाल जी सच बताने से घबरा रहे हैं, जो स्वाभाविक लग भी रहा है, क्योंकि ऐसा माना ही नहीं जा सकता कि मुख्यमंत्री के पास जानकारी नहीं होगी कि उसकी सरकार किस प्रकार के निर्णय ले रही है शराब घोटाले पे और क्यों प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है। इसलिए केजरीवाल जी को जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब नहीं देंगे तो इन्वेस्टिगेशन जिस रूप से कोर्ट के सामने रखी जाएगी और कोर्ट फिर निर्णय ले, यानी नलिन कोहली जी कोर्ट ने हिरासत में दे दिया। जी, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ जानते हुए अरविंद केजरीवाल अनजान बन रहे हैं, लेकिन अब उन्हें तिहाड़ जेल ले जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन सरकार क्या तिहाड़ जेल के अंदर से ही चलेगी जैसा कि आम आदमी पार्टी भी दावा कर रही है? ये सत्ता की लोभ है। मुझे बताइए, जेल क्यों जो लोग जाते हैं? जनता की सेवा करने जेल इसलिए लोग जाते हैं क्योंकि जनता से उनको बचाया जाना चाहिए। अब सत्ता की लोभ है ये कि मुझे सत्ता में किसी तरह रहना है। दिल्ली की परवाह ही नहीं है आम आदमी पार्टी को, दिल्ली की जनता की परवाह होती तो घोटाला ही नहीं होता, जल बोर्ड में घोटाला नहीं होता, शराब का घोटाला नहीं होता। केजरीवाल जी जितने उन्होंने वादे किए उन पे खड़े तो किसी पे नहीं उतरे, हर चीज में वो एक बहाना ढूंढते हैं। इनका मकसद कुछ और है, सत्ता है। लेकिन अब मोदी जी को गलियाने से थोड़ी ना ये छिप जाएगा कि जो घोटाला है जिसपे जवाब केजरीवाल जी को देना है वो थोड़ी ना भाग सकते हैं। लेकिन अलिंग जी, वो बार बार आम आदमी पार्टी तो यही आरोप लगा रही है कि कार्रवाई हो रही है, छापेमारी हो रही है, लेकिन मिला कुछ नहीं, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है, सिर्फ घुमाया जा रहा है, पॉलिटिकल वेंडेटा कहीं ना कहीं है ये बस। इसमें क्या मतलब, कोई ऐसा आपको चोर दुनिया में मिला है जो 1.5-2 साल तक चोरी का सामान अपने घर में संभाल के रखता है?
चोरी का तो सवाल इधर उधर होता है, लेकिन ये तो थोड़ी ना इस पर कहीं जवाब उठेगा कि आपने चोरी की या नहीं की, उसे ये जवाब देना है कि चोरी की या नहीं की, घोटाला हुआ या नहीं हुआ। बाकी कुछ तो मिला होगा, कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जिसकी वजह से दो मंत्री उनके जेल में, बेल नहीं मिल रही, मतलब कुछ ना कुछ तो है ना इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के पास। अब केजरीवाल जी बाहर आकर राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई के लिए तो उनको तब नहीं लड़ना पड़ेगा, राजनीतिक भाषण से थोड़ी ना कानूनी लड़ाई उनकी पूरी हो सकती, इसीलिए तो वो न्यायिक है। ठीक है, नलिन कोहली जी बहुत शुक्रिया आपका न्यूज 18 इंडिया के साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और उस वक्त एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, आबकारी घोटाला मामले में पूछताछ में केजरीवाल ने आतिशी का नाम लिया है। जानकारी मिल पा रही है कि राहुल द्रविड़ कोर्ट में ईडी का यह बड़ा दावा है, केजरीवाल ने विजय नायर का नाम आतिशी से जोड़ा है और ईडी ने यह बताया कि केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर आतिशी को रिपोर्ट करते थे। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, केजरीवाल ने यह कहा कि विजय नायर आतिशी को रिपोर्ट करते थे, यानी कोर्ट के अंदर अब आतिशी के नाम का भी जिक्र हुआ है। केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी का नाम लिया, ईडी की तरफ से यह जानकारी दी गई कि आतिशी को रिपोर्ट करते थे विजय नायर, ऐसी जानकारी केजरीवाल की तरफ से दी गई है। अब क्या इस मामले में आतिशी का भी नाम जिस तरीके से सामने आया है, उनको भी समन्स जारी करके पूछताछ क्या किए जा सकते हैं और ये आम आदमी पार्टी के लिए कितना बड़ा झटका होगा, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के वो पहले से ही जेल में बंद है, केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और उस बीच आतिशी जो मुखर होकर आम आदमी पार्टी की बातें रख रही है, मीडिया से बातें कर रही है, क्या उनका नाम आना अब उनकी मुसीबतें भी बढ़ा सकता है। बिल्कुल, और इस बीच जिस तरीके से विजय नायर को लेकर सवाल पूछा गया अरविंद केजरीवाल से, उन्होंने कहा कि वो आतिशी को रिपोर्ट करते थे, लेकिन विजय नायर कौन थे? विजय नायर वो थे जो इस पूरे मामले में सबसे पहले आरोपी बनाए गए थे और साउथ लॉबी और नॉर्थ लॉबी में जो मध्यस्थता करते थे वो विजय नायर ही करते थे और यही वजह है जब विजय नायर को लेकर अरविंद केजरीवाल से सवाल पूछा गया, इस बात का जिक्र हुआ है कि ईडी ने सवाल किया विजय नायर को लेकर, लेकिन यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, उनको रिपोर्ट जो है वो आतिशी को करते थे।